अमेरिका और रूस के बीच तनाव जारी है। इन दोनों के बीच सीधा विवाद तो नहीं दिखता, लेकिन अंदर खाने इनके बीच पावर सेंटर बनने की खींचतान मची हुई है। एक तरफ अमेरिका के पास नेटो के जरिए कई देशों की सामूहिक ताकत है, तो दूसरी तरफ अब रूस भी अन्य देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है और मजबूत कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कोरिया की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि रूस और कोरिया विदेशी आक्रामकता के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लेते हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक रणनीतिक साझेदारी की है, जो सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को लेकर व्यापार, आर्थिक संबंधों और सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग के लिए रोड मैप के रूप में काम करेंगे। इस समझौते के तहत यदि दोनों देशों में से किसी एक के साथ भी आक्रामकता होती है तो एक दूसरे की मदद करेंगे। पुतिन के लिए ये एक बड़ी सफलता है। पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिमी आक्रामकता से अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने के प्योंगयांग के इरादे का समर्थन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार मानता है। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को छूट दे दी है कि वो अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों को रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हमलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिमी देश ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में रूस आज हस्ताक्षरित दस्तावेज के तहत DPRK के साथ सैन्य सहयोग से इनकार नहीं कर सकता। पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की भी निंदा की, जिसमें हथियार प्रतिबंध भी शामिल है। पुतिन ने इस प्रतिबंध में बदलाव करने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि रूस का जब यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ, तभी से उसे दी जाने वाली अमेरिकी मदद का विरोध करता आ रहा है। इधर अमेरिका ने एक कदम और बढ़ाते हुए यूक्रेन को हथियारों से लंबी दूरी तक हमला करने की भी छूट दे दी है। इसके बाद इस महीने की शुरुआत में ही पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ऐसा होता है तो रूस अमेरिका के दुश्मनों को भी इसी तरह के हथियार सप्लाई कर सकता है, और फिर अमेरिका के दुश्मन उन हथियारों से अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य संपत्तियों पर हमला कर सकते हैं।